खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। कानपुर देहात के बहमई गांव में 39 साल पहले हुए नरसंहार में हत्याकांड में सेक्शन कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इसमें पहले 6 जनवरी को फैसला आना था, लेकिन तब बचाव पक्ष ने दलीलें पेश करने के लिए कोर्ट से वक्त मांग लिया। कोर्ट ने फैसले की तारीख 18 जनवरी तय की और दलीलें रखने के लिए वकीलों को 16 जनवरी तक का समय दिया गया। 14 फरवरी 1981 को फूलन ने अपने 35 साथियों के साथ बेमई में के 26 लोगों पर 5 मिनट में सैकड़ों गोलियां बरसाई थी। इनमें से 20 की मौत हो गई थी। फूलन की ही मुख्य आरोपी थी, लेकिन मौत के बाद उसका नाम हटा दिया गया। इसके बाद 5 आरोपियों श्याम बाबू, भीखा, विश्वनाथ, पोषा और राम सिंह पर केस चलाया गया। इसमें से राम सिंह की 13 फरवरी 2019 को जेल में मौत हो गई। पोषा जेल में है, 3 आरोपी जमानत पर हैं। बेमई हत्याकांड के मुख्य आरोपी फूलन देवी थी। उसने 1983 में मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण किया था। 1993 में फूलन जेल के बाहर आई और इसके बाद मिर्जापुर लोकसभा सीट से 2 बार सपा के टिकट पर सांसद बनी। 2001 में शेर सिंह राणा ने फूलन की दिल्ली में हत्या कर दी थी। इसके बाद फूलन का नाम केस से हटा दिया गया। तो बेमई हत्याकांड का आज इस पर फैसला आने वाला है। बता दें कि 39 साल बाद आज फैसला आ सकता है। कानपुर की सेक्शन कोर्ट सुनाएगी फैसला। 4 दशक पहले फूलन देवी पर लगा था नरसंहार का आरोप और आज इस पर फैसला आ सकता है। 20 ग्रामीणों को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी थी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर बहुचर्चित बेहमई हत्याकांड क्या है। 14 फरवरी 1981 में फूलन देवी ने 20 ग्रामीणों को गोलियों से भूना। मरने वालों में 17 क्षत्रिय थे और 35 लोगों के खिलाफ हुई थी FIR। 6 लोगों के खिलाफ लगी थी चार्जशीट। फूलन देवी की हत्या के बाद राम सिंह की 13 फरवरी 2019 में मौत हो गई थी। 1 आरोपी अभी भी जेल में बंद है, 3 आरोपी जमानत पर बाहर हैं। केस में 6 गवाह बनाए गए थे, जिनमें से 2 अभी जिंदा हैं। फूलन के पिता की 40 बीघा जमीन पर चाचा ने किया था कब्जा। 11 साल की उम्र में फूलन ने चाचा से ये जमीन मांगी थी। चाचा ने फूलन पर कराया था डकैती का मामला दर्ज। पूरा मामला बेहमई हत्याकांड। फूलन देवी को जेल जाना पड़ा था उसके बाद। तो बता दें कि जेल से आने के बाद फूलन देवी डकैतों के संपर्क में आई थी और उसके बाद दूसरे गैंग के लोगों ने फूलन देवी का किया गैंग रेप। बदला लेने के लिए फूलन देवी ने 20 लोगों को सरेआम मौत के घाट उतारा। 1983 में फूलन देवी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में हत्या कर दी गई। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, भेमई नरसंहार केस में आज 39 साल बाद फैसला आ सकता है, क्या कुछ जानकारी? लगता हमारे संवाददाता संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बेहमई हत्याकांड पर आज फैसला आ सकता है। 39 साल बाद आज ये फैसले का दिन है। फूलन देवी ने 20 ग्रामीणों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और उसके बाद उनको भी दिल्ली में मार दिया गया था। कानपुर की सेक्शन कोर्ट आज इसमें फैसला सुनाएगी। 4 दशक पहले फूलन देवी पर नरसंहार का आरोप लगा था, आज फैसले का दिन है। बता दें कि 11 साल की उम्र में फूलन ने चाचा से जमीन मांगी थी अपने पिता की। चाचा ने फूलन पर डकैती का मामला दर्ज कराया था।
और उसके बाद जेल भी उन्हें जाना पड़ा था। जब जेल से वो बाहर आई, डकैतों के साथ उन्हें उनका संपर्क हुआ और उसके बाद ये भी सामने आया कि फूलन देवी के साथ उनका गैंग रेप किया गया और गुस्साई फूलन देवी ने 20 लोगों पर गोलियों से भून दिया। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, बेमई नरसंहार के इसमें आज 39 साल बाद फैसला आ सकता है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पिछले फैसला इस पे आना था लेकिन कोर्ट ने डेट आगे लगा दी। आज 39 साल के बाद कानपुर बिहार सुनाएगा। फूलन देवी जो पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी रह चुकी है, अपने साथियों के साथ 26 लोगों की 5 मिनट के अंदर गोली मार करके हत्या कर दी थी, नरसंहार का आरोप है। और 39 साल यानी एक आधा दशक के आसपास जाकर के अबुल लोगों का इंतजार है फैसले का। अब आज कानपुर देहात की कोर्ट है, वो इस नरसंहार से फैसला सुनाएगी। देखना होगा फैसला क्या होगा, सबकी निगाहें उस पर है, पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि बहुत नरसंहार कांड था जिसमें फूलन देवी के कई लोग आरोपी हैं। फिलहाल थोड़ी देर के बाद कानपुर देहात कोर्ट है, वो इस पूरे मामले पे अपना फैसला सुनाएगा। चलिए पंकज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।